चैनल कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, क्योंकि होली है और होली में गुजिया ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं विदाउट मोल्ड हाथ से किस तरह से आप परफेक्ट तरीके से गुजिया बना सकते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपको किन किन बातों का गुजिया बनाते समय ध्यान रखना है वो सारा परफेक्ट मेजरमेंट सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गुजिया का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को भून लूँगी। तो थोड़े से ही मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर दिया। अब इसमें मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं बादाम को भूनूँगी। 1 मिनट तक बादाम को रोस्ट करना है। और अब मैं यहाँ पर काजू ऐड कर रही हूँ। तो 1 मिनट ही काजू को भी इसमें रोस्ट करना है। बस हल्का सा इसमें थोड़ा ड्राइनेस आ जाए, ड्राई फ्रूट्स की जो नमी होती है बस हमें उतना निकालना है। तो 1 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ और अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो नाइफ़ की हेल्प से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ही मैंने पतला पतला कट किया है। तो इस तरीके से आप बादाम को बीच से स्प्लिट कर लें एंड देन आप इसको पतला पतला इस तरीके से फाइन चॉप कर लें। और काजू को तो आप इस तरीके से हल्का हल्का सा इस तरीके से कट कर लें, या फिर आप चाहें तो थोड़ा मोटा सा आप इसका मिक्सी में चला सकते हैं एक बार, तो थोड़ा मोटा मोटा सा पार्ट निकल आता है। बहुत ज़्यादा अगर पिस जाता है तो फिर टेस्ट में नहीं समझ में आता कि हाँ हमने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स कट कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से नारियल लिया हुआ है, आप चाहे तो पतला पतला, तो मैं दोनों तरीके से डालूंगी, इस तरीके से क्रश करके कद्दूकस करके इस तरीके से भी मैं ऐड करूंगी और पतला पतला से भी कट करके मैं ऐड करूंगी। तो आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पतला पतला कट करके भी डालेंगे तो भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है गुजिया का। तो आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल जितना घी, दैट्स इनफ। और गैस की जो फ्लेम है उसको हमें लो रखना है वरना आपकी जो सूजी है वो जल जाएगी। तो अभी मैं मसाला बनाने जा रही हूँ। इसमें आपको 5 टेबल स्पून जो आपके ये रेगुलर स्पून होते हैं भर के, इसमें हमें सूजी ऐड करनी है। तो 1 पाव का मैं बना रही हूँ, 1 पाव मैंने मावा लिया, तो 1 पाव मावा से मैं बना रही हूँ। तो 5 टेबल स्पून सूजी आपकी ठीक रहेगी। सूजी मैं बता दे रही हूँ क्यों इसमें ऐड करते, सूजी ऐड करने से कहते हैं कि गुजिया फटती नहीं है। तो आप लोगों को मैं प्रॉपर अच्छे से भर के दिखाऊंगी और उसको फ्राई करके दिखाऊंगी, डीप फ्राई करके, कि हाँ बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो आप लोग एक एक स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। तो मीडियम से लो में हमें इसको भूनना है 1 से 2 मिनट से, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कलर चेंज होने लगा है। अब क्या करना है, गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देना है और इसको थोड़ा सा हमें साइड में कर देना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मावा। तो ये देखिए, इसको हाथ से फोड़ना पड़ेगा मावा। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास मावा नहीं है तब आप क्या करें, किस तरह से गुजिया बना सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मावा नहीं है तो सूजी की क्वांटिटी आपको क्या करना है, बढ़ा लेना है। सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है और आपके पास जो घर में दूध आता है उसकी मलाई होती है वो मिक्स करके हमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाकर उसमें भून लेना है और मलाई ऐड कर देना है अच्छे से। मावा जैसा वो बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हाँ मावे का हम लोग खा रहे हैं गुजिया, यहाँ पर सूजी का है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब इसमें हम जो सूजी हमने डाली थी वो अच्छे से ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। तो चलिए इसमें फटाफट से हमें जो जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट बनाया है घर पे वो मैं ऐड कर दी हूँ और ये थोड़ा सा मैंने इस तरीके से कट किया है, बारीक कट कर रखा है कोकोनट है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। तो बारीक कट करके डालें, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी मैंने जो ये भून कर रेडी किया था इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। आप ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। किशमिश नहीं मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आप बाकी के ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करना चाहते तो आप सिर्फ किशमिश एंड जो चिरौंजी होती है ना उसको ऐड कर लीजिए। नारियल तो मस्ट ऐड कीजिए, नारियल तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
तो मेरा तो मन करता है ना कि जब इसका पूरा बन के रेडी हो जाता है, इसमें शुगर उगर पड़ता है ना, मन करता है बस ऐसे ही इसको एक केक की तरह बना कर रख लो और खा लो, इतना टेस्टी लगता है। तो चलिए ये बनकर रेडी हो गया है, हमें इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रखूँगी, अभी मैं इसमें कोई शुगर नहीं ऐड करूँगी। तो जब तक हमने उसको ठंडा करने के लिए रखा है, तब तक क्या करते हैं कि इसका मैदे का एक डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं बनाऊँगी आज साथ में शक्कर पारी, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी। तो ये करीब मैंने 300 ले लिया, 300 ग्राम मैंने ले लिया है, तो जो भी ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसका मैं बना लूँगी शक्कर पारा। तो इसमें ऐड क्या क्या करना है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो इसमें आप लोगों को ऐड करना है सॉल्ट, आप लोगों को लग रहा होगा सॉल्ट ऐड करना है, तो बिल्कुल आपने सही सुना, सॉल्ट ऐड करना है, बहुत ही थोड़ा सा, एक पिंच जितना आपको सॉल्ट ऐड करना है। तो इसकी क्रिस्पनेस जो होती है काफ़ी अच्छी रहती है और खुश्क रहते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। तो शुगर जो भी जिस चीज़ में भी शुगर पड़ती है उसमें हल्का सा अगर आप सॉल्ट ऐड कर दें तो ये आपके शुगर को बैलेंस करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सॉल्ट ऐड ज़रूर करें, गुजिया में सॉल्ट ऐड होती है, आप मार्केट से भी जो लेकर आते हैं उसमें भी ऐड रहती है। तो चलिए मैं अब घी ऐड करूँगी, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वनस्पति ऑयल या फिर जिस ऑयल से भी आप फ्राई कर रहे हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये इसलिए ऐड कर रही हूँ घी से क्या होता है कि खुशकपन ज़्यादा रहता है, और आप अगर ऑयल ऐड करेंगे तो उसमें क्रंचीनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कितना ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आपने एक पाव लिया है तो उसका एक चौथाई पार्ट हमें लेना है घी, तो इसमें मैं अच्छे से घी डालूँगी। तो करीब करीब ये एक छोटी कटोरी, तीन कटोरी थी, तो मैं यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा कम घी ऐड करूँगी। पहले हम इसे मिक्स करके अच्छे से देख लेंगे कि कभी कम ज़्यादा होगा तो वो हम बाद में ऐड कर लेंगे, पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स करके देख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून और डाल लिया है कि बस दैट्स इनफ, इतना ही रखना है। और अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही आपको इसका डो रेडी करना है। तो चलिए इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमें इसका सख्त आटा रेडी करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ, तो थोड़े पानी में बहुत ही अच्छे से गूंथ के रेडी हो जाता है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है, ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड करना है, और पूरी जितना सख्त रखना है आटे को। तो आप लोग देख लीजिए कि आटा बन के रेडी हो गया है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हल्का सा हाथ में घी लगाना है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ अच्छे से घी से मल देना है। तो आटा तो बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसे हम 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो आटा देखिए इस तरीके से हम प्रेस करते हैं ना, तो ये ऊपर की ओर उठने लगता है, इसका मतलब आटा अच्छा सा गूंथ के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शुगर, ये पूरा ठंडा हो चुका है अच्छे से। तो शुगर मैं इसमें करीब 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं आप डालें वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है। और अगर आप लोग को मीठा, तो वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी के घर में ज़्यादा खाते हैं और किसी के घर में कम खाते हैं, तो आप मीठा अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो मैंने 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शुगर ऐड किया है, करीब 150 ग्राम है, बट 150 ग्राम प्रॉपर नहीं है, उससे कम ही था। तो शुगर जो होता है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर सकते हैं, बाकी आप ड्राई फ्रूट्स भी अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना ड्राई है, अगर अभी मैं इसको गर्म गर्म में ऐड कर देती ना तो ये मेल्ट हो जाता, फिर अच्छा सा इसका जो मसाला है ना वो बन के रेडी नहीं होता। तो चलिए अभी फटाफट से इसके लिए पूरियां बेल लेते हैं, फिर उसमें हम फिलिंग करेंगे। तो चलिए रोलिंग बोर्ड में हम इसको निकाल लेते हैं और इसे इस तरीके से लंबा कर लेते हैं। और अब क्या करना है, हमें इसे इक्वली पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से आप इक्वली कट कर लें। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एक जैसी गुजिया एक साइज की किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं विदाउट मोल्ड बना रही हूँ, तो चलिए अभी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को इसको बेल करके दिखा लेती हूँ। तो आप चाहे तो इसे थोड़ा लंबा लंबा बेल कर एक साइज की कटोरी लेके इस तरीके से कट कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक जैसा बेल कर भर सकते हैं। तो बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ मैं, छोटे छोटे से बना रही हूँ।
तो पहले हम बेल पर रख लेंगे सारे, उसके बाद मैं भर के दिखाऊंगी। आप चाहें तो हल्का सा मैदा भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप सांचे से बना रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरीके का बेलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कट के एक्स्ट्रा पार्ट निकल आता है। तो मैं देखिए इस साइज का बेल रही हूँ, और बहुत ही पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा पूरी जितना मोटा रखना है, इतना थिक रखना है। तो एक और मैं बेल लेती हूँ। मैंने सारे बेलकर रेडी कर लिए हैं। अभी चलिए मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से विदाउट मोल किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं एक फोक की हेल्प से। तो इस तरीके से आपको हाथ में रख लेना है और भर के एक स्पून लेना है इसको इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपको वाटर लेना है, नॉर्मल वाटर जो होता है उसको इस तरीके से चारों तरफ से एजिस पे लगा देना है, और इस तरीके से आपको एक एंड को लेकर दूसरे एंड में इस तरीके से मिक्स कर लेना, हाथ से इस तरीके से प्रेस करना है। ध्यान रखें बाहर मसाला नहीं निकल पाए, अदरवाइज आपकी गुजिया फट सकती है। तो इस तरीके से करने के बाद हम इसे सिंपली इस तरीके से इस तरह डैप डैप करेंगे, और एक फोक लेंगे छोटे छोटे से इस तरीके से मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा ना, गुजिया अच्छे से आपकी लॉक हो जाएगी, फ्राई करते समय बिल्कुल नहीं फटेगी। तो चलिए इसी तरीके से मैं एक और आप लोगों को दिखा देती हूँ। कि अगेन मैंने इस तरीके से ले लिया है, तो ये जब भी रखते हैं ना तो ये थोड़ा सा ना सिकुड़ जाता है, तो हल्का सा और बेल ले रही हूँ मैं इसको, और ऐसे लेना है हाथों में और भरना है एक स्पून जितना आपको फिलिंग रखनी है, अच्छे से आपको उसको भर लेना है, एंड देन आपको इस तरीके से डालना है चारों तरफ, आपको वाटर करना लगाना है, और इस तरीके से आपको एडजस्ट पकड़ के इस तरीके से टैप टैप कर देना है, बाहर नहीं निकलने देना है मसाले को, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए इस तरीके से, दोनों दोनों पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे हल्के हाथों से आपको प्रेस कर देना है। अगेन सेम प्रोसेस करना है इस तरीके से। तो अगर आपके पास मोल नहीं है घर में, इमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है, तो मेरा तो मेरे बच्चों ने इधर उधर कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्टली बनता है, ऐसा लगता नहीं है कि आपने हाथों से बनाया है। तो लास्ट एक और मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके भी मैं दिखा दूंगी, बिल्कुल नहीं फटेगा ये। तो आप इस तरीके से इतना भरिए और ले लीजिए जितना भी आपका मन है, उसे अच्छे से इस तरीके से पहले डैप कर लीजिए, और एक्स्ट्रा जो है वो आप रिमूव कर दीजिए, बगल बगल में रिमूव नहीं रहना चाहिए पानी लगाने के पहले। तो यहाँ पर ऐसे हम वाटर लगाएंगे चारों तरफ, फर्स्ट पार्ट को ऐसे हम पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद ध्यान से हमें इसको अंदर इस तरीके डालना है, एंड ऐसे। तो मैदा थोड़ा सा खींचता है, तो थोड़ा सा आप खींच के इस तरीके से आगे ऐसे कर लीजिए, और अब मैं इस तरह से दोनों एजेस मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कितने आसानी से ये मिक्स हो जाता है, आप चाहे तो इस तरह फोल्ड करके भी बना सकते हैं, बट मैं एक तरह की ही डिज़ाइन रखूंगी। तो इस तरह से अभी फॉक से आप ऐसे ऐसे डैप डैप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरा मसाला बच रहा है, बाकी तो मैंने सारी गुजिया बना ली है, और थोड़ा सा मसाला बच गया है मेरा, तो मैं उससे मिठाई बनाऊंगी। तो जब भी बनाऊंगी तो वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि बचे हुए मसाले से आप क्या कर सकते हैं। तो मसाला मैंने बचाया है, बचा नहीं है अभी, तो मैदा रखा हुआ है, आटा मेरा रखा हुआ। तो देखिए इस तरीके से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो और भी हैं, उनको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, एक और प्लेट से। तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो चिपकने का डर रहता है। तो चलिए फ्राई करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तेल कितना गर्म होना चाहिए मैं इस बारे में आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, कि तेल को हमें बहुत हाई फ्लेम में नहीं गर्म करना है, मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे पकाना है। अंदर तक नहीं पकती फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज कि जब आप इसको डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फटने लगेगा, मतलब क्रैकेस आने लगते हैं, तो ये अच्छे से पकते नहीं हैं, इसलिए आपको मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे। अब मैं इसको चेक कर लूँगी कि तेल हमारा हुआ है या नहीं, थोड़ा सा मैं इसे छोड़ूंगी, देखिए ऊपर आने लगा, एकदम परफेक्टली हो गया। अब हमें मीडियम कर देना है गैस की फ्लेम को, फिर हम इसे तेज बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस तरीके से इसे लीजिए और धीरे से वन बाय वन छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें तुरंत नहीं पलटना होता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो देखिए मैंने एक साथ 5-6 डाले हैं, आप चाहे तो थोड़े थोड़े करके करिए, उसके बाद आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पलट लीजिए। एक साइड से सिक चुका है, अभी हमें पलट कर इस तरीके से पकाना है। आप लोग देख सकते हैं ये कुक हो चुका है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो कितना बढ़िया कलर आया है आप लोग देख सकते हैं, जितना हमें कुक करना था उतना कुक हो चुका है। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लूँगी। तो एक बार का बन के निकल चुका है और अभी हमें क्या करना है, बाकी का जो बचा है वो भी ऐड करूँगी, लेकिन इससे पहले एकदम स्लो कर लें, अदरवाइज़ आपके इसमें ये फूले फूले से बनेंगे, ऊपर से फूल जाता है उस तरीके से ये बनेगा। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि जब भी आप इन्हें डालें तो मेक श्योर कि आपके गैस का फ्लेम एकदम लो हो, ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो। तो अभी इस बार मैं 4 डाल रही हूँ, आप चाहे तो एक साथ काफ़ी सारा ऑयल ऐड करके काफ़ी सारे बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ अभी। तो अभी पलटना नहीं है, पहले नीचे से कुक हो जाने देना फिर पलटना, अदरवाइज ये फूल जाएगा और पूरी जैसा फूलता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे से दाने जैसा हो जाएगा। वो देखने में नहीं अच्छा लगता, खाने में तो टेस्टी रहता ही है बट देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये पास से दिखा दे रही हूँ, ये कितना परफेक्टली बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फूला है कहीं से। हो चुके हैं और अब हम इनको भी निकाल लेंगे। जब तक हमारी बाकी की गुजिया फ्राई हो रही है तब तक मैंने सोचा मीठे पारे के लिए हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो इतना ही आटा बचा है मेरा, तो मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं था मीठा पारा, तो इसलिए मैंने आटा थोड़ा कम ही रखा था। तो चलिए इनको भी बेल लेते हैं। तो आपको पतले पतले शक्कर पारे पसंद हैं तो थोड़े पतले कट कर सकते हैं, अगर मोटे पारे पसंद है तो मोटे भी कट कर सकते हैं। तो मैं मीडियम रखूंगी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है मुझे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। पूरी जितना ही मैं कट करूंगी, जितना पूरी होता है उतना ही लंबा, उतना ही सॉरी लंबा नहीं रखना, उतना ही हमें मोटा रखना है। थिक उतना थिकनेस हमारी उतनी ही रहनी चाहिए, उससे पतली नहीं होनी चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को बहुत ही क्रंची वाला पसंद है, कुछ लोगों को खुशक वाला पसंद है। तो अगर आप लोग को क्रंची पसंद है तो आप पतला कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा मोटा रहने दीजिए। तो देखिए ये पूरी जितना लेयर है, तो मैं इसको अभी कट कर लूँगी। तो सेप आप अपने हिसाब से कुछ भी सेप दे सकते हैं कटिंग के लिए, तो मैं नॉर्मली सेप दे रही हूँ, जैसे खुरमे का सेप होता है या नमक पारे का जो सेप होता है, मैं नॉर्मली वही सेप दे रही हूँ। इस तरीके से आप डायमंड सेप में कट कर लीजिए अगर आपको डायमंड सेप पसंद है। सेप तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा भी अगर आपको छोटे पसंद है तो छोटे कट कर लीजिए। तो नमक पारे मैंने बनाए थे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने उसको रिमूव किया था, आप लोगों को देखने में लगेगा कि ये तो एक में ही मिक्स हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं, ऑयल में डालते ही ये अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं दूसरा भी बेलकर रेडी कर लेती हूँ। तो बेल के मैंने इसको रेडी कर लिया है, अब इसको भी हमें सेम प्रोसेस में ही कट कर लेना है। अब चलिए कट कर रेडी हो चुके हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमारा पहले से ही गर्म है, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से तेल में टॉप कर देंगे। मीडियम आंच रखना है, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और लो भी इसमें नहीं रखना है बहुत। तो एक साथ मैंने एक बार एक टाइम का मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अभी क्या करना है आपको, इस तरीके से जस्ट इस तरीके से अलग अलग कर देना है, इससे क्या होगा ईजिली सारे अलग अलग हो जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कितने आसानी से ये अलग हो गए हैं, ये देखिए कितने ईजिली ये अलग हो गए हैं। अब बस इन्हें लो टू ए मीडियम आंच में कुक होने देंगे। आप लोग देख सकते हैं लगभग ये फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा और बस कलर चेंज कराना है, दैट्स इट। आप लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में मैं इसको निकाल दूंगी एंड बाकी का जो था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एंड अगेन इस तरीके से हमें स्पून या फिर किसी भी नाइफ की हेल्प से इस तरीके से कर देंगे, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। Now let it be fry. तो ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब इनको भी मैं निकाल लूंगी। अब बस हमें इन्हें शक्कर पारा में पारना है, शक्कर को पार के उसके बाद हमें इनको शक्कर में डाल देना है। तो पहले मैं शक्कर को बना रही हूँ शक्कर पारा, इसलिए हम यहाँ पर पहले चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी शक्कर ली है, उसमें मैं आधी कटोरी से भी आधा पानी यहाँ पर ऐड कर दूंगी और अब इसको मैं अच्छे से एक तार जितनी चाशनी बना लूंगी।
चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। अब गरम गरम चाशनी में ही मैं इसको इस तरीके से ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। एंड अब क्या करना है, हमें अच्छे से मिक्स होने के बाद हमें इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है। इसे बाहर निकाल कर रख देंगे तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर लूँगी। तो अभी इसे हमें खुला रखना है, बाद में हमें इसे ढक करके रख देना।